Assalamu alaikum, how are you all? I hope you all are doing very well. Today I have come with another topic, and aaj ka jo mera lesson hai wo parts of speech ke sequence number 1 ka hai. Meri previous video mein maine aap sabko parts of speech ka ek lecture diya tha aur usme aapko ye bhi bataya tha ke maine unko kis tarike se sequence mein divide kiya hai aur wahi lectures main aapko dungi. To main thoda sa jinhone video nahi dekhi unhe bata dun ke there are 8 parts of speech. 8 जो parts of speech हैं उनको मैंने categorize किया है 3 sequence में, 3 series में, और वो जो series हैं वो series number 1, series number 2 and series number 3 करके हैं. तो series number 1 आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 3 parts रखे हैं. वो तीनों इसीलिए रखे हैं क्योंकि वो तीनों आपस में एक दूसरे से interlink हैं. तो अगर हमें noun, pronoun, adjective. अगर हमें adjective के बारे में कोई ना कोई information चाहिए तो obviously we have to know about noun or pronoun. तो इसी तरीके से ये तीनों जब आपस में interlink हैं तो मैंने सोचा कि मैं एक series पे video बना दूँ इसे categorize करके, ताकि ये ज़्यादा आसान हो जाए आप लोगों के लिए सीखना और समझना. अब हम बात करते हैं जो सीरीज़ नंबर 1 है उसमें आप चाहें तो अपने साथ नोटबुक एंड कॉपी रख लीजिए, नोटबुक एंड पेन रख लीजिए, ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अच्छा जी, सीरीज़ नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको करना ये है कि आप सबसे पहले लिख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. अब बात आती है नाउन की. व्हाट इज़ नाउन? तो हमने हमेशा से ये पढ़ा है नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. तो जी हाँ, हमने बिल्कुल सही पढ़ा है, यही डेफिनेशन है. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नाउन इज़ एवरीथिंग, या एवरीथिंग इज़ नाउन, या नाउन इज़ अ नेम ऑफ एवरीथिंग, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक एडवांस और न्यू डेफिनेशन है, तो आप कहेंगे मैं क्या कह रही हूँ. तो जी हाँ, एडवांस डेफिनेशन में बिल्कुल यही है कि नाउन इज़ एवरीथिंग. और हम सिंपली ये कह सकते हैं बिकॉज मैं आपको अभी प्रूव करके भी दिखाती हूँ. वो इस तरीके से कि जितना भी जो भी चीज़ हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें तो आपको नाउन ही नज़र आएगा. आई कैन जस्ट गिव यू सो मैनी एग्जाम्पल्स. अभी जितनी भी चीज़ें मेरी सराउंडिंग में हैं सिर्फ उसको देखते हुए मैं आपको इतनी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि आप ख़ुद से कहेंगे कि हाँ, हम नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग की जगह सिंपली ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ एवरीथिंग, और एवरीथिंग इज़ नाउन, और नाउन इज़ अ नेम ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपको सूटेबल लगे आप कह सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन ऑफ नाउन, दैट इज नाउन इज एवरीथिंग और नाउन इज अ नेम ऑफ एवरीथिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने ऐसा क्यों कहा? नाउन सब कुछ क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जितनी भी चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग में ले लें, आप एग्जाम्पल लें, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठ के कर लें, आई गारंटी यू के आप खुद इस बात को मानेंगे. तो सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, अगर मैं अपने फेशियल फीचर्स को ही देख लूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अभी देखूँ कि मैं मेरे यहाँ बाल हैं, मेरे जो हेयर हैं, मेरे जो ये ग्लासेस, नोज़, फेशियल फीचर्स, ये मेरे ड्रेस हो गया, दुपट्टा, ईच एंड एवरीथिंग, दीज ऑल आर नाउन. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई नोज, माई ग्लासेज, माई हेयर कलर, माई फेशियल फीचर्स, माई दुपट्टा, माई ड्रेस, माई हैंड, माई फिंगर्स, ईच एंड एवरीथिंग. देखें, सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ अभी अपने फेशियल फीचर्स या चेहरे को देखते वही इतने सारे नाउन आपको बता दिए. अगर हम बात करते हैं अपनी सराउंडिंग में, तो इस वक्त ऑब्वियसली हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जहाँ भी जो भी अगर आप लोग रूम में बैठे हैं, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ फैन और एसी. तो अभी मेरी सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, लाइक देर इज़ अ लाइट, लाइट इज़ नाउन, देर इज़ अ फैन, फैन इज़ नाउन, देर इज़ अ कर्टन ओवर बिहाइंड मी, और कर्टन नाउन है, वॉल ऑब्वियसली वॉल, मैं अपनी सराउंडिंग से देखी हुई चीज़ें देखी हूँ, और राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी देर इज़ आयरन स्टैंड, इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, तो आयरन स्टैंड, ये तो इस्त्री आयरन खुद एक नाउन है. तो अभी तो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी जो मेरी सराउंडिंग में इस रूम में है. अब हम थोड़ा सा रूम के बाहर अगर फोकस करें तो उसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. जैसे हम नेचर की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट नेचर एंड नेचुरल थिंग्स लाइक आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे, मींस ये सारे जो स्टार्स, मून, स्काई, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब नाउन है, ठीक है. तो इसी तरीके से अगर हम कोई खाने की चीज़ों की बात करें, खाने पीने की, या पहनने ओढ़ने की, या फिर जो है कोई भी गैजेट्स की बात कर लें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, कोई भी यूटेंसिल्स की बात कर लें, या कोई भी ईटेबल्स, हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी एसेसरीज़ की बात कर लें, तो जितनी भी चीज़ें वो सारे नाउन हैं, ठीक है.
तो जब इतनी एग्जांपल्स मैंने आपको दी तो कांट वी सिंपली से कि नाउन इज एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लेंथियर एंड लाइक सेइंग नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग. इट इज़ नॉट लेंथियर एज वेल, बट यह है कि अगर हमारे पास कोई न्यू डेफिनेशन है या कोई न्यू चीज़ या स्ट्रक्चर या फार्मूला है तो हम उसको फॉलो करें. मेरा काम आपको बताना था, अब इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस डेफिनेशन को कैसे कहें और कैसे बताएं. द बेसिक एम इज़ कि आपको इसकी बेसिक समझ आ जाए और आपको इसकी डेफिनेशन पता चल जाए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि सबसे ज़रूरी है. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि नाउन इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ नाउन, तो देयर मस्ट बी सम काइंड्स और कैटेगरीज टू कैटेगराइज इट. तो इसी वजह से जब सब कुछ नाउन है तो उसे कैटेगराइज करने के लिए जो है काइंड्स ऑफ नाउन होती हैं. अब काइंड्स ऑफ नाउन और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक लंबा लेक्चर है, तो बस आप उसे लिखते रहें, थोड़ी थोड़ी आप जो की पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए और मज़ीद इंशाल्लाह मैं इसको और इन्फॉर्मेटिव वे में पढ़ाने के लिए मैं अभी पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरा अपना वाइट बोर्ड मेरे पास है तो मैं अपना पूरा एक ऐसी सेटिंग करूँगी कि वाइट बोर्ड पर मैं पूरा लिखूँ लेक्चर और उसके साथ साथ फिर आप वो उसे नोट डाउन ईजीली कर लें. इस वक्त फ़िलहाल वो सहूलत अभी मौजूद नहीं है मेरे पास, यानी कि अभी मैंने उसको सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आप खुद नोट डाउन कर लें, मेरे की पॉइंट्स लिख लीजिए. इंशाल्लाह वेरी सून आई विल जस्ट कम विद दोज थिंग्स, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो अब हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि नाउन इज़ एवरीथिंग, तो कैटेगराइज करने के लिए हमने उसकी काइंड्स बनाई हैं. तो देर आर सम काइंड्स, जो बेसिक काइंड्स हैं आप उसके बारे में लिख लें. सबसे पहले हमारे पास आती है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको पता होगी, लेकिन मैं आपको उसकी भी एग्जांपल्स दे दूंगी एक एक दो दो करके. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद आप लिख लें कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आप लिख लें कॉम्पाउंड नाउन, उसके बाद आप लिख लें नेचुरल सॉरी यूनिवर्सल नाउन, उसके बाद आप लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन, यूनिवर्सल नाउन. ये बेसिक्स हैं हमारे, आपने लिख लिया सबसे पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटीरियल नाउन एंड यूनिवर्सल नाउन. ये हमने सारे लिख लिए, और एक और लिख लीजिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन. ये तो बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन थी. अब ये क्या है, क्यों है, तो इनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स करके जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ईजिली वो समझ आ जाएगा. अभी हम पहले आप ये काइंड्स लिख लें, और इसके बाद एक और चीज़ बता देती हूँ. बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, रेगुलर नाउन, इरेगुलर नाउन, वो क्या होता है, और उसके बाद आता है हमारा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं अपना पूरा सिस्टम बना लूँगी अपने वाइट बोर्ड और उसका तो उसके थ्रू मैं आपको जब समझाऊँगी तो वो पूरा एक लेक्चर एंड चार्ट बना के दूंगी. लेकिन अभी जो पॉइंट्स हैं आप वो लिख लीजिए, काइंड्स ऑफ नाउन लिख लें, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. एज आई सेड, नाउन इज़ एवरीथिंग. व्हेन नाउन इज़ एवरीथिंग तो ऑब्वियसली वी मस्ट हैव सम कैटेगरीज टू कैटेगराइज इट, सो दैट इज़ व्हाई वी हैव मेड सम कैटेगरीज एंड काइंड्स. दोज आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, यूनिवर्सल नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एंड दीज ऑल आर दी काइंड्स ऑफ नाउन. तो अब हम बात करते हैं, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. बहुत ईजी है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा. कॉमन नाउन वो होता है जो सबको पता होता है, मीन्स ऑब्वियसली अगर हम बालों की बात करें तो बाल सबके होते हैं, कोई गंजा होता है किसी के नहीं होते, लेकिन बाल जो होते हैं, बालों का कलर, या कोई ऑब्वियसली, या चले आँखें होती हैं, नाक होती है, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है. ये फेशियल फीचर्स हैं लेकिन ये कॉमन नाउन में आते हैं. अगर किसी एक इंसान ने बहुत ही एक अजीब व गरीब सा बालों का अपना हेयर स्टाइल और स्ट्रक्चर बना लिया तो वो प्रॉपर नाउन, यानी एक जो यूनिकनेस में आ जाता है, जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, या उस चीज़ की पहचान दे दी जाती है, उसी चीज़ का नाम दे दिया जाता है, तो वो जो है प्रॉपर नाउन में आ जाता है. इसको और आसान अंदाज में समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि चॉकलेट्स, चॉकलेट्स ऑब्वियसली सब खाते हैं, सबको पता है, लेकिन चॉकलेट क्या है, कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन क्यों, क्योंकि जो चीज़ सब यूज़ करते हैं, सबको पता है, या कॉमनली पता है, वेरी इजी है, तो वो जो है हमारा कॉमन नाउन हो गया. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है कि उसी चीज़ को आपने एक नाम या पहचान दे दी तो वो जो है प्रॉपर नाउन होता है. जैसे अब आप उसमें ले लें किटकैट, मार्स, ट्विक्स एंड बहुत सारी डिफरेंट डेरी मिल्क एंड डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी चॉकलेट्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स दे दें, नाम दे दें, तो वो आपके प्रॉपर नाउन में आ जाता है. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, शैम्पू. शैम्पू एवरीवन यूज शैम्पू एंड एवरीवन नोज़ अबाउट द शैम्पू. ओके, तो शैम्पू इज़ अ कॉमन नाउन,
एंड शैम्पू के नेम हो, उसकी पहचान हो, उसकी एक अपनी शनाख्त हो, तो वो कॉमन नाउन हो जाए. जैसे सनसिल्क, डव, देर आर सो मैनी शैम्पूज आउट देयर. तो कोई भी नाम ले लें, वो उसकी पहचान है, उसका जो अपना नाम है. अब जैसे कि गर्ल, लड़की और गर्ल, और अगर आप उस लड़की का नाम ले लें, जैसे कि सुंदस, तो सुंदस इज़ अ प्रॉपर नाउन, गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. इसी तरीके से बॉय, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, एंड हरम एंड सारिम आर दी प्रॉपर नाउन. तो आई होप आपको बहुत ही ये ईजी है, आपको पता भी होगा. लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश आसान अंदाज में, तो ये उनके लिए था कि मैं उन्हें बहुत ही आसान अंदाज में, उनकी अपनी ज़बान में, उर्दू लैंग्वेज में, इतनी आसान तरीके से लैंग्वेज सिखा दूँ कि इंशाल्लाह उनका फ़ायदा हो. तो अब नाउन तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. उसके बाद हमारा आ जाता है, अगर हम बात करें यूनिवर्सल नाउन की, यूनिवर्सल नाउन में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि नेचुरल होती हैं या यूनिवर्सल होती हैं, जो कि जैसे जिनका ताल्लुक नेचर से होता है, मींस आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे, तमाम चीज़ें, यानी कि दी स्टार्स, द मून, द सन, द अर्थ, मतलब जितने भी प्लैनेट्स नेम्स या ईच एंड एवरीथिंग, समंदर, ओशंस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जितनी भी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं वो आपका यूनिवर्सल नाउन में आता है, जो कि नेचर से ताल्लुक़ रखते हैं. तो हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, यूनिवर्सल नाउन पढ़ लिया, इट बिलोंग्स टू द नेचर. ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. और इनकी कैटेगरीज इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम उनको ईजिली कैटेगराइज कर सकें, बिकॉज के एवरीथिंग इज़ नाउन, व्हेन एवरीथिंग इज़ नाउन इन आवर सराउंडिंग्स, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द कैटेगरीज ऑफ दैट और काइंड ऑफ दैट. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर काइंड, एंड दैट विल बी, लेट मी थिंक, अब हम बात करते हैं किसकी किसकी यूनिवर्सल हो गया, मटेरियल नाउन की. मटेरियल नाउन में आपकी वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, लाइक जैसे कि आप ले लें, मींस आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तमाम चीज़ें जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, मटीरियल चीज़ें जो होती हैं, वो आप जो है इसमें ले आएंगे. इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड नाउन में. तो कंपाउंड नाउन क्या होता है कि कंपाउंड, आप लोगों ने अगर साइंस और केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑब्वियसली अगर आपने मेडिकल नहीं भी ली, तो हमारी 8th तक तो बेसिक साइंस होती है, उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, 9th में भी होती है ऑब्वियसली, और उसके बाद आप अपनी फैकल्टी चेंज करते हो तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके. लेकिन आपको इतना ज़रूर मालूम होगा कि साइंस में कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, कि दो एलिमेंट्स को अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो वो कंपाउंड कहलाता है. लाइक अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला लें, ये दो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन, अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में जब हम मिला लेंगे तो वो एक कंपाउंड बन जाएगा, एलिमेंट नहीं रहेगा, जैसे वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा. ठीक है, NaCl. इसी तरीके से कंपाउंड की एग्जांपल मैंने साइंस से लेके इसलिए दी क्योंकि साइंस हम सब ने पढ़ी और हम सबको साइंस के लिहाज से पता है कि कंपाउंड क्या होता है. सेम एज इट इज़ इन इंग्लिश, अगर आपका नाउन प्लस नाउन, यानी इफ़ वी हैव टू नाउन्स टुगेदर, तो एट दैट टाइम वी, इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाउंड नाउन. जैसे कि अब हम बात करते हैं टूथ, दांत एंड ब्रश. ब्रश भी नाउन है, टूथ, दांत भी, तो टूथ ब्रश. इसी तरीके से टूथपेस्ट, इसी तरीके से मैच बॉक्स, इस तरीके से बैट बॉल, बैट भी नाउन है, बॉल भी नाउन है. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंजॉयबल एक्सरसाइज. ये मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, मैं उन्हें एक्टिविटी के तौर पे दे देती हूँ. तो ये कंपाउंड नाउन हो गए, मीन्स नाउन प्लस नाउन इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन. अब आ जाते हैं हम, मटेरियल नाउन हो गया हमारा, यूनिवर्सल नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, इसके बाद हमारा मेरे ख्याल से सारे हो गए जो बेसिक्स थे. अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन और बाकी रेगुलर इरेगुलर नाउन और बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल नाउन, ये भी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको भी मैं इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगी. एंड मैंने सीरीज़ बनाई थी कि मैं आपको तीनों जो हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक साथ पढ़ाऊंगी, लेकिन ये वीडियो अभी मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की हो गई है. मुझे नहीं लगता कि मैं इसी वीडियो में ये कवर अप कर पाऊँगी, करने का तो मैं कर लूँ, बट ये इतनी लेंदी हो जाएगी कि वो कोई देखेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं और बर्डनाइज हो जाएंगे. तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं जो हूँ वन बाय वन, मीन्स अगर नाउन है तो, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी चीज़ें होती है ना, जब मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि
बेशक वो 20 मिनट की वीडियो क्यों ना हो, चाहे वो एक ही पार्ट की क्यों ना हो, चाहे वो नाउन की हो, चाहे वो प्रोनाउन की हो, मैं आपको वन बाय वन अलग से वो बना के दूंगी। वजह यह है कि जिस चीज़ में फ़ायदा हो वही काम किया जाए। शॉर्टली तो सबको ही पढ़ा लेते हैं, आप कहीं भी चले जाएँ ईजिली जल्दी से, मतलब कवर अप करने के लिए लोग आपको इतना बता देंगे, नाउन ही है, काइंडली इतनी डीपनेस में नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आसान अंदाज में, मेरा काम और मकसद है कि मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊँ आपकी अपनी ज़बान में, तो मैं ऑब्वियसली जो प्रॉमिस किया उसके हिसाब से इंशाल्लाह, बेशक मुझे एक एक पार्ट की एक वीडियो बनानी पड़े, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस तरीके से कवर अप कर लेती हूँ। और जो मैंने सीरीज़ बनाई है इंटरलिंक का, जो मैंने आपको बताया वो तो लिंक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस वीडियो में जब वो कवर अप हो पाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी काइंड्स और डिग्रीज वगैरह हैं, तो वो फिर एक तो मैसअप हो जाएगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप इसी लेक्चर्स को, बहुत आपके लिए ये यूज़फुल होगा इंशाल्लाह, और जितना है उसको आप गो थ्रू करें। आपका काम यह है कि जैसे मैं मेहनत करके टाइम निकाल के अपने घर को, टाइम को, बच्चों को मैनेज करके आपके लिए भी टाइम निकाल रही हूँ और आपको लैंग्वेज सिखा रही हूँ, तो इसी तरीके से आपका थोड़ा सा ये काम है कि आप मेरे लेसन के हिसाब से जो है आप भी उसकी प्रैक्टिस करें। आपका टास्क या प्रैक्टिस ये है कि आप इस लेक्चर को एक बार सुने, एक बार समझ नहीं आएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ लिसन इट ट्वाइस थ्राइस, यानी जब तक आप लेक्चर बार बार सुने, समझें इसको, समझने की कोशिश करें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ये है कि अगर मैंने काइंड्स ऑफ नाउन बताई हैं तो पहले आप नाउन को इजीली समझ लें, काइंड्स ऑफ नाउन जो बताई हैं उसकी प्रैक्टिस करें, जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं उसी से रिलेटेड आप अपने दिमाग को चला के खुद ही से आप अपनी एग्जांपल्स लिखें। और एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आप चाहें तो आप एक कॉपी नोटबुक अलग से बना लें मेरे लेसन के लिए, या आप उसका नाम लिख लीजिए केएस एजुकेशन लैंग्वेज कोर्स और वट एवर, आप कुछ भी बना लें। मैं आपको इसका भी लिंक दूंगी, बताऊंगी आपको कि मैं, मेरा जो अपना इंस्टीट्यूट जो इंशाल्लाह होगा वो केएस एजुकेशन के नाम से होगा और उस पर मैं काम भी कर रही हूँ, और उसके मैंने एक माशाल्लाह सक्सेसफुल लैंग्वेज कोर्स भी इस नाम मींस इसी इंस्टीट्यूट नेम से मैंने सक्सेसफुली एक कोर्स भी कम्प्लीट करवाया था, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए थे, सेरेमनी भी हुई थी, सेलिब्रेशन भी हुई थी, खैर वो एक अलग टॉपिक है तो वो टॉपिक से हटके हो जाएगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो है मैं आपको जो टास्क दे रही हूँ प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर करिएगा, और वो ये है कि आपने क्या करना है, अपनी एक नोटबुक बना लें जो सिर्फ मेरे लेसन या मेरे उसके और मेरी सीक्वेंस से चले। जैसे आज मैंने आपको नाउन बताया और उससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में समझाया था, प्लीज़ आप चाहें तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको विजिट ज़रूर करें, इससे प्रीवियस वीडियो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है उसको देखें, क्योंकि नाउन भी समझ रहे हैं तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या हैं, वो क्यों होते हैं, उसका मकसद क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। जब आप वो और ये उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाएंगी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है लेकिन स्पोकन आती है, ग्रामर में वीक होते हैं, तो ये वीडियो हर उन ऐसे शख्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई इशू है रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, या कोई भी आपको पूछना है क्वेश्चन, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जवाब दूं, और उसके साथ साथ आपको जो मैंने होमवर्क या टास्क दिया वो ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह एज़ पर माई प्रॉमिस मैं वन बाय वन वो सारी वीडियोस बनाऊंगी, और नाउन ने ही इतना टाइम ले लिया, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले, तो फिर मैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उसके बाद वन बाय वन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वन, मतलब किसी भी एक पार्ट को मैं फोकस करके उसको डिटेल में आपसे समझाऊंगी और उसी की एक्सरसाइज दूंगी। तो इससे फ़ायदा एक और ये भी होगा कि आपको जो है आप मैसअप नहीं होंगे, मींस आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू कर दूं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या आपको ये समझ नहीं आया, तो लेट मी समराइज फॉर यू ऑल, लेट मी गो थ्रू, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट नाउ आई आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं समराइज़ ये कर रही हूँ कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ अभी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमारा आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर आ जाता है प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। अब आज जो हम पढ़ रहे थे वो नाउन है। नाउन है, नाउन क्या है, नाउन इज़ एवरीथिंग, वो क्यों है, क्या है, आप शुरू से वीडियो देख लें आपको समझ आ जाएगा। फिर जब सब कुछ ही नाउन है हमारे सराउंडिंग में, तो इसी वजह से हमने उसे कैटेगराइज करने के लिए कुछ काइंड्स में डिवाइड किया गया है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनकी काइंड्स मैंने आपको बताई,
common noun, proper noun, abstract noun, material noun, universal noun, और ये सारे हमारे जो noun हैं. बाकी और भी nouns मैंने आपको बताते हैं, countable noun, uncountable noun, और singular, plural noun, regular noun, irregular noun, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं छोटी मोटी, तो वो मैं आपको मज़ीद सिखाऊंगी, वो मैं बाकायदा अपना रिटन वर्क में सिखाऊंगी आपको. लेकिन जो वर्बली आपको बता रही हूँ वो यही मैंने आपको अभी इस पूरी वीडियो में समझाया है. तो आपको मैंने टास्क भी दिया है कि आप इसकी एक्सरसाइज करें, इसकी एग्जांपल्स बनाएं, और आपने जब इसकी एग्जांपल्स बना ली हो, आपको समझ आ गया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. मेरी मेहनत जो मैं दिल से कर रही हूँ उसके मुझे लगे कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है, और ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया कि इससे लोगों का फ़ायदा हो. तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और उसके साथ साथ मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय से भी आगाह करिएगा. और दूसरी चीज़ ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको नहीं बताया अभी, वो भी मैं मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर है, अभी भी नाउन का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं पार्ट टू, नाउन पार्ट टू करके वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मज़ीद जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं बताऊंगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी इसलिए नहीं बताया कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो जो है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑल जो मैंने आपको अभी बताए थे, तो वो फिर मैं ईजिली आपको डिटेल में समझाऊंगी इंशाल्लाह. अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे अपने कॉमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.